नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश। मैं राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा एक विचित्र घटना, जिससे आपको भी लगेगा आधा हकीकत आधा फसाना। लोगों की माने तो वो इसको चमत्कार बता रहे हैं, लेकिन इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, ना ही किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देते। लेकिन आपको यह वीडियो एक बार सोचने को मजबूर कर देगा, क्योंकि लोगों का मानना है कि भोले बाबा के नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है, और सुबह तो किसी पर बाबा की मूर्ति हिली तक नहीं थी। तो देखिए हमारी बुलंदशहर के कर्णवास से विशेष रिपोर्ट। फोटो देख लो, अलग फोटो देख लो अपना, अलग और आंख असली लग रही है। लाल आंख भर के भी मैं था। करीब 1 बजे और 1:30 पर हम कर्णवास पहुंच चुके थे। वहां जाकर हमने देखा तो हम भी आश्चर्यचकित रह गए कि आखिरकार क्या है ऐसा मामला। जी हाँ, यदि आप भी देखेंगे और इन लोगों की बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या यह सच्चाई है या फिर फसाना है। जिसे सुनकर हम दौड़कर वहां पहुंचे थे तो हमें लगा था कि शायद कुछ ना कुछ तो अद्भुत चमत्कार है। लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने भोले बाबा की मूर्ति को भी देखा, साथ ही जिस जगह से आंसू के निकलने का बताया जा रहा था और बताया जा रहा था कि भोले बाबा हिल नहीं पा रहे, हमने उन्हें हिलाकर भी देखा, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? केला दे। क्या घटना हुई? घटना ये रही कि मैं तो प्लॉट पर घर को जा रही हूँ। मैं इनके घर आई बहू के घर में देख रही, और जी मेथी काट रही और रो बच जा रही, तो मैं जो कह रही मैं यारी कहा है वो सब सवेरे कि मम्मी मेरे भोले बाबा ना उठ रहे, तो मैं नौ करी हमें ना भोले बाबा उठ रहे तेरे, अब मैंने आया करिए मैंने उठाए तो मुँह पर ना उठे, फिर कत्ता मैंने जेट में भरे तो वो जेट में उन्हें आई मेरे, इतनी मेहनत दी। कितनी बड़ी मूर्ति है? बोले मूर्ति है छोटी, इतनी बड़ी। और फिर ये हमारी जेठानी आए गई तो मैं इंतन और कहनी जे वो जा करेंगे कहा है गौरी, मैं बोला आ जाओ मैं देखेंगे भोले बाबा ना उठ रहे, ये बोली कि हम फिर इनने उठाया कर नहीं है, देखो इतनी मेहनत दी की। मैंने हूँ गई देखो हाथ मुँह धोकर, मैं बोली तो कहना उठ रहे भोले बाबा, तो लम मैं उठा के देखूँ, मैंने उठाए तो मुँह पे ना उठे, मैंने दो बार ताकत भतेरी लगाई उठे ही ना बिल्कुल भी, मैं बोली बता तो पैन उठे लो मैं उठा के देखूं, उठे ही ना, मैंने बहुत ही ताकत लगाई और आँख में तो खून से चल रहे बिल्कुल, बस ये देखो मैंने तो। और कुछ कुछ ना, हमने बहुत ही ताकत लगाई उठे ही ना है वो। फिर कैसे उठे? उठे का अब लल्ला पे फोन करो या पतोयो या पे करो। विशाखा के पापा ने बात करी तो मैंने कही ले बात। पहले अपना नाम बताओ, क्या नाम है? रूबी। अच्छा, क्या हुआ था? भोले बाबा ना उठ रहे, मैंने उठाई कोशिश करी ना उठ रहे, फिर उनके आंखों में थे खून चल करे, मैंने हथेरी थे पहुंचे धोने जा रही, फिर कई बार पहुंचे, फिर मैंने अपनी मम्मी दिखाई चाचिन को दिखाई। अच्छा, फिर विशाखा पापा ने बात करी, उनने गलती माफ करी, उन्हें कह रहे के गलती माफ कर दे मुझे, और जो कमी आ गई है के कमी तो कुछ भी ना, सोमवार वाले दिन से आप मार दो। ये किसने बोला? जिनने भोले बाबा ने कही सोमवार को तुमने श्याप मार दो और श्याप मत मार करो। अच्छा, पे बात बोला था भोले बाबा? नहीं बोले, और मैंने हैंड फ्री फोन कर लिया, वो बात कर रही है। अच्छा, फोन पे? फोन किस पे मिलाया था आपने? बुन पे, विशाखा पापा ने। विशाखा कौन है? हमारी लड़की है। अच्छा, और कोई भी है? फिर क्या हुआ था, पूरी घटना बताओ। फिर मैंने अपने देवर से बात करी, तुम उठा दे तो उठ के आए अपने आप ही ऐसे चल के। क्या नाम है आपका? धविंदर कुमार। अच्छा, क्या घटना हुई है? ये घटना हुई थी जी, यहाँ पे हमारे घर से फोन पहुँचा था, नोएडा था मैं,
ये बोल रहे थे कि भोले बाबा उठ नहीं रहे हैं, चिपक गए हैं, तो मोहल्ला के और भी आए थे, उन्होंने उठाए थे, उन पर भी नहीं उठे, फिर उसके बाद में जो है इनका खून खून आँखों से चल लिया, हमारी मैडम जो है पहुँचा था खून आँखों से, उसके बाद में नोएडा मैंने बात करी फोन से, जब मैं वहाँ से नोएडा से आया फोन पे, क्या बात फोन पे ये बात हुई थी कि यहाँ पर जो है वो खून निकल रहे हैं आँखों से, मैंने पूछ लो उन्हें गलती चलती है हमारी, जो भी माफ जो करें, उसके बाद में जो है माफ करें, उसके बाद में जो बात हुई बात तो वो हमारी मैडम से बात हुई थी, आपकी मैडम से भोले बाबा से, इनसे माफी मांगी थी, फोन यहीं पर रखा था, बता रहे थे घर के और भी थे मोहल्ला में, मोहल्ला के बड़े बूढ़े भी थे, नहीं ये लोग कह रहे हैं कि फोन पे भोले बाबा ने बात की थी, तो क्या बात है? ये बात हुई थी कि ये सांप जो मार दिया इसकी वजह से वो क्रोधित हो गए, मतलब कैसी आवाज से? आवाज बड़े बूढ़े की, इसी आवाज से बड़े बूढ़े की? हाँ जी बिल्कुल सच बात है। हाँ जी सच बात है। और क्या हुआ था उसके बाद में? और भी गाँव के आए। अच्छा, उसके बाद में उन्होंने भी यहाँ पे बहुत देर रोके गए थे, वो भी और ही बड़े बूढ़े हैं, वो भी रोके गए थे, बहुत देर देख के गए थे यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद में मैंने वहीं से फ़ोन करा, मैंने गलती चलती है माफ़ी मांग लो, जब उसके छोटे वाले के हाथ में जब आए अपने आप चल कर। अच्छा, अपने आप ही? हाँ जी। तो अब आप नोएडा से आए हैं? हाँ जी नोएडा से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं अलीगढ़ से आया हूँ, यहाँ मेरी बहन रहती है। कहाँ पर आए? कर्णवास में। क्या घटना हुई? यहाँ घटना हुई थी सुबह 5:30 बजे, मेरे पास मेरी बहन का कॉल गई थी और वो बोले थे कि भैया यहाँ पर ऐसे से बात हो गई है कि तस्वीर है मूर्ति की, ये उठ नहीं रही है। मैंने क्या हो गया कि भैया मैं कल भी उठाए शाम को तो ये उठे नहीं है। मैंने क्यों नहीं उठे कि पता नहीं। मैं कहती सासू माँ ने कि सासू माँ ने भी उठाए, उन्होंने भी नहीं उठे हैं ये, और मोहल्ला पड़ोस के हैं उन्होंने भी उठाए, वो उठे नहीं रहे। मैंने ऐसा क्या हो गया ऐसा? मैंने कोई बात ना उठी, तो मैंने धर्मेंद्र से बात करी है, हमारी जी जाइए उनसे क्या हाँ करिए वे कहाँ पर हैं, नोएडा आए हैं, यहाँ पर नहीं है कि नहीं है, आ रहे हैं कि हाँ वो आ रहे हैं, वो उनसे मेरी बात हो गई है कि अच्छा। मैंने चल कोई बात ना, हम आते हैं, हम देखते हैं फिर क्या बात है, क्या रीज़न है कि अच्छा। हम आगे यहाँ देखें तो उन्होंने माफ़ी मांगी है हमारी बहनों ने, सांप मार दिया था उन्होंने सोमवार वाले दिन, दोज से एक दिन बाद, सोम संडे की दोज थी, मंडे को उन्होंने सांप मारा था। उन्होंने बोला था कि मुझे गलती हो गई हो तो उसे माफ़ करना, अब जब कहाँ सोनू की उनके भाई हैं छोटे वाले, उनकी गोद में खुद चल करके आए अपने अपने आप जी। अच्छा, हाँ क्या लगता है आपको, चमत्कार है या? हमको तो ऐसे लगता है चमत्कार है, ये कोई चमत्कार लगता है। हाँ इनके घर में, हाँ बिल्कुल विश्वास करते हैं, क्योंकि कहीं की बाहर की बात होती है विश्वास नहीं करते, तो हमारी सगी बहन है। अच्छा। हाँ हमारी बहन ने बोला हम इतनी दूर से नहीं आते, 70 किलोमीटर दूरी पर नहीं आते चलकर, यहाँ पर गाड़ी करके लाए हम, 1500-1600 रुपये गाड़ी करके लाए हम, विश्वास नहीं होता हम क्यों आते ऐसे, कहीं और कहीं बात होती वैसी, ये घर की बात है, हमारी बहन कह रही है ये बात कि भैया ऐसे ऐसे बात हुई, चलो हम आते हैं, जब हम 15-16 लोग आए गांव से। हाँ जी। क्या नाम है आपका? भैया मेरा सोनवीर नाम है, मैं गांव का करणवास का रहने वाला, और आके हमारी भाभी ने कही मेरी तस्वीर उठाया हो, मैं ठीक है मैं उठा के आता हूँ। जब मैं गया था मैंने पहले पूछ हाथ नहीं जोड़े थे भोले बाबा के, मैंने कही झूठ बोल रहे हैं, मैंने उठाई थी तस्वीर, मैंने अपनी जितनी ताकत थी मेरे में सब उठाई थी, नहीं उठी थी, मैंने उतर को हटाया नहीं, हटा नहीं तो को हटाई ना हटी। जब मैंने हाथ जोड़े थे व पैर छुए थे, जब मैंने कि भोले बाबा आओ, मैंने कहा गलती है हमारी, सब अपने आप सरक के आ गए थे हमारे में, अपने आप सरक अपने आप हाँ, अपना जिंदगी में आज पहली दफा ये करिश्मा देखा है मैंने, अपनी जितनी बड़ी जिंदगी है मेरी। अच्छा, तो ये फोन पे बात करने की क्या काम है? ये तो हमारे भैया से बात हो रही थी। अच्छा, हाँ क्या बात हुई थी? ये हुई थी कि तुमने कमल भोले बाबा हमने शाम जो मार दिया था ना, सोमवार को मारा था, क्योंकि हमने एक गलती माफ कर देना, हमारा मंदिर बनवा देना जरूर। अच्छा, ये बोली थी बस। ये मूर्ति कहाँ से लाए थे आपको? हम हिंद से लाए थे, राजघाट से, दुकान से, रावण में जो फूकती है, रावण फूकता है। अच्छा, वो दिन। और क्या हुआ था? बस यही घटना देखी और आंखों में से आंसू निकल रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया था? हमने फिर किया था, मैंने जैसे हाथ करे थे सो ही आ गए थे उल्लंग हाथों पे, मैंने फिर गई भाभी मैंने इन्हें नहला दो धुला दो, इन्हें नहलाए धुलाए खूब। अच्छा, फिर अपने आप ही शांत हो गए। अच्छा। हाँ भाई यही घटना है।
और ग्रामीण लोग आए थे? हाँ, खूब निरा गांव आ गया, पूरा गांव बिलोना राजघाट बदरपुर निरा गांव आ रहा है आपके सामने, एक वो तुम भी दिखा सकते हो। यह सब देखकर हम वापस लौट ही रहे थे तो अचानक से फिर से कॉल आती है और कॉल करते हैं घर वाले और कहते हैं कि भई आपके रियल से देख लीजिए और आप आकर देखिए किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ आंसू ला रहे हैं। तो हमने भी बार बार छूकर देखा तो एक पानी की धार सी हमें भी नज़र आई। अब हम यह समझने में नाकाम रहे कि यह हकीकत है या है कोई फसाना।